समों के अंदर ऋषि की खून की धारा प्रवाहित हो रही है, रक्त जो है ऋषियों का रक्त है। चिंतन करें, सब ओर शांति प्रसार हो, सर्वत्र सद व्यवहार हो, सर्व ओर शांति प्रसार हो, सर्वत्र सद व्यवहार हो, सर्व ओर शांति प्रसार हो, सर्वत्र सद व्यवहार हो, फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार लो अवतार लो, फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार लो अवतार लो, फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार लो अवतार लो, फैलाओ ऐसे प्यार को, अवतार लो अवतार लो। तो भगवान से निवेदन भक्तों ने किया, भगवान ने अवतार लिया, विभिन्न प्रकार की चर्चा चली। इतना समय तक तो प्रतिदिन हम लोग यहाँ तक बैठते थे, अभी ज़्यादा समय मेरे लिए नहीं हुआ है। कल तो परसों तो 10 बजे गया था, अभी तो 9:25 हो रहा है, इसलिए अभी थोड़ी चर्चा चलेगी। फिर ये सब कलाकार लोग आए हैं और आज सामयिक अपने भजन के माध्यम से कालक्षेप करेंगे, आप लोगों को आनंद प्रदान कराने का प्रयास करेंगे। और हमारे आचार्य लोग मंचस्थ हैं, इन सबों के देखने में कार्यक्रम संचालित होता रहेगा, पहले से चल रहा है। जैसे इन लोगों के देखरेख में नंद जी के यहाँ उत्सव हो रहा है, सब लोग भाग ले रहे हैं, सब लोग आह्लादित हैं, सब लोग आनंदित हैं। एक ऐसी महिला है जो चुपचाप एक कोने में बैठी, न हंस रही है, न रो रही है, न कुछ बोलती है। अरे नंद जी यहाँ तो उत्सव है, सब लोग जा रहे हैं, देव पितर गंधर्व सब लोग के पैर नंद जी के महल में, अब उसी महल रहने वाली एक महिला कुछ नहीं कर रही है, बड़ा आश्चर्य हुआ। नंद जी और यशोदा दोनों उसके पास गए, अरे देवी हमारे यहाँ कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं और तुम इसी घर में हो। नंद जी ने कहा मेरे मित्र के तुम पत्नी हो, यशोदा ने कहा कि तुम मेरे पति के मित्र के पत्नी हो, अतः मेरी बहन तुल्य हो गई। सब लोग भाग ले रहे उत्सव में, बहन तुम भी चलो। उसने कहा देखो यशोदे, एक वर्ष बीत गया, मेरे गोद में एक बच्चा है, ये बच्चा न बोलता है, न रोता है, न आंखें खोलता है, न कुछ खाता है। एक माँ के सामने एक वर्ष का बच्चा गोद में रहे, बच्चा रोए भी नहीं, बोले भी नहीं, माँ का दूध भी नहीं पिए, आंखें भी नहीं खोले, तो माँ को कैसा लगेगा? कब तक ये जिंदा रहेगा, कब इसकी मृत्यु हो जाएगी, निश्चेष्ट ऐसा बच्चा है। रोहिणी ने कहा मेरे गोद में जो बच्चा है एक वर्ष का है, अरे तुम्हारे घर में जो बालक का जन्म हुआ ये तो अभी हुआ, एक वर्ष से मैं प्रतीक्षा में हूँ, ये बालक कब आंखें खोले, रोने के शब्द मेरे कानों में जाए। नंद यशोदा ने कहा अरे बहन मेरे लाला के पास ले चलो, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे के पास जो जो लोग आए उन लोगों की समस्या समाहित हो गई, नहीं बोलने वाले बोलने लगे, नहीं देखने वाले देखने लगे, ये बालक तो गूंगे को भी बहु बोलने वाला बना देता है, और जो पैर से चलने में लाचार हैं उनको पर्वत पर चढ़ा देता है।
मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर घन जासु कृपा सुदयाल कमूकं करो जीवाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं मन्दे परमानन्द माधवम् यस्य प्रसाद कलया बधिरः श्रोति पंगुं पधावति जवेन च भक्तिमूकः अंधः प्रपश्यति सुतं लभते च वन्द्या तं देवदेव शरणं वरदं शरणं गतोऽस्मि। ओ वर देने वाले जो भगवान हैं उनके शरण में मैं जा रहा हूँ, जिनकी कृपा से गूंगा भी बोलने लगता है, बहिरा भी सुनने लगता है, और जो नहीं चल सकते वो भी पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटी को लांग जाते हैं। वो परमात्मा श्री कृष्ण का प्रसाद है, वरद वही है, वरम ददाति की वरदः, तो वर देने वाले परमात्मा है। ए बहन रोहिणी, मेरे बेटे के पास तुम अपने बेटे को ले चलो, पूरा विश्वास है कि मेरे लाला पर जो दृष्टि इसकी पड़ेगी या लाला की दृष्टि इस पर पड़ेगी तो ये आंखें खोल देगा, बोलेगा, रोएगा, खाना शुरू कर देगा और एक वर्ष का बालक जितना काम कर सकता है वो सब करने लगा। चलो तो जरा सही मेरे साथ, इतना विश्वास था अपने पुत्र के ऊपर, नंद जी को और यशोदा को, क्योंकि एक कई दिनों में उन्होंने अनुभव कर लिया था कि जो लोग आए उधर से रोते व्यथायुक्त और कन्हैया के दर्शन करते और हर्षित हो गए, आह्लाद आ गया, आनंद आ गया, आनंद के मूर्ति थे। अरे नंद घर आनंद भयो जय माल, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, कन्हैया लाल की, 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 यशोदा को लाल भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा को लाल भयो, कन्हैया लाल की, यशोदा के लाल भयो, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल आनंद भयो, तो सचमुच उनके घर में आनंद का जन्म हुआ था,
कन्हैया का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ, आनंद का जन्म कैसे हुआ कि नंद घर आनंद भयो, माने आनंद ने जन्म लिया। प्रमाण कुछ है, गाते तो लगे कि नंद घर आनंद भयो, तनंद के घर में आनंद ने जन्म लिया। वेदव्यास जी का कहना है नंदस्त्वात्मन उत्पन्ने जाता हलादो महामना, आह्लाद माने आनंद, तो जाता आनंद का जन्म हुआ, वस्तुतः आनंद का जन्म हुआ, तो कन्हैया ही आनंद है। आनंद मयोभ्यासात सुख आनंद, ये सब भगवान के अंदर है। आनंद देने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं, आनंदमय हैं, ज्ञानानंदमय हैं। तब वेदव्यास जी कहते हैं कि जाता आह्लादो महामना, अर्थात नंद बाबा के घर में आह्लाद का जन्म हुआ, आनंद का जन्म हुआ। तो आनंद तो भगवान स्वयं ही है, सत्चित आनंद, ये गुण भी उनके हैं, स्वरूप भी है। सत्चित आनंद मय भगवान है, तीनों गुणों से विशिष्ट है। आहुय विप्राण, आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। ब्राह्मण बड़े चतुर होते हैं। ब्राह्मण ने कहा कि देखिए महाराज नंद जी, हम लोग ने भी एक वर्ष साधना की है, तो आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ है, सोने के पहाड़ दान करने से बच्चा बड़ा प्रतापी मेधावी होता है, तेजस्वी होता है, अतः आप 7 सोने के पहाड़ दान कर दें। नंद जी ने कहा अरे भैया, अरे ब्राह्मण लोग, मन में तो है कि मैं 7 सोने का पहाड़ दान कर दूं, लेकिन सोने का पहाड़ कहाँ है, पहाड़ रहता है एक भी तो मैं दान कर देता, और आप लोग कहते हैं कि 7 पहाड़। ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं समझे, ऐसी परिस्थिति आएगी, ऐसा समय आएगा कि बालक 7 दिनों तक पहाड़ को अपनी उंगली पर उठाए रखेगा, 7 दिन और 7 रात, वो तभी होगा जब आप 7 सोने के पहाड़ दान करेंगे। तब आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि छोटा बालक 7 वर्ष का और 7 को लंबा चौड़ा पहाड़ को 7 दिन 7 रात तक उंगली पर उठाए रखे। हमने इस बच्चे का हाल देखा है, इसकी जो रेखा है, रेखा बता रही है कि 7 दिन 7 रात तक पहाड़ को उठाए रखेगा। नंद जी ने कहा अरे भैया, अरे ब्राह्मणों, तब तो हमें 7 पहाड़ दान करना ही है, जब पहाड़ दान करने से और बेटा इतना बहादुर हो सकता है कि 7 वर्ष की अवस्था में पहाड़ उठाकर 7 दिनों तक उंगली पर रखेगा, तब तो हम दान करेंगे, बताइए। उन लोग ने कहा कि आपके पास सब व्यवस्था है। कहा कि मेरे पास व्यवस्था है, यदि मेरे पास व्यवस्था और मेरी क्षमता है तब मैं तुरंत करूँगा। ब्राह्मणों ने कहा कि भाई क्या रखा है, पहाड़ का मतलब पत्थर ही नहीं होता है, तीर का पहाड़ बनाइए, काला तीर होता है उसका पहाड़ बनाइए 7 गो, और जिस कपड़े में सोने की कारीगरी की गई हो सुनहला वस्त्र से उसको कर दें, और रत्न तो कमी ही नहीं है, रत्नों से उसे एक कर दीजिए, रत्न से अलंकृत कर दीजिए, वैसे 7 पहाड़ हो जाएंगे तिल के, और तिल के 7 पहाड़ दान कर दीजिए तो आपका पुत्र वही बनेगा जो हम लोग कह रहे हैं। नंद जी को बात अच्छी लगी तो उन्होंने तिल के 7 पहाड़ बनाए, सोने के सूत्र का व्यवहार जिसमें किया गया था वैसे सुनहरी चादरें उस पर दी गई और मणि माणिक से उसे कर दिया गया। भगवान के अवतार के पूर्व लक्ष्मी जी वहाँ पहुँच गई थी, और लक्ष्मी जी के जाने से वहाँ का पूरा वातावरण पवित्र हो गया था, सबके घर में धन धान्य बढ़ गया था। तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, हरे निवासात्म बुढ़े रमा क्रीडन भूमिप। रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी का क्रीड़ा अस्थव क्षेत्र बन गया। लक्ष्मी की सब जब घूमती थी, गोबर से लिपती थी, लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल, जैसे हाँ आज उत्सव है तो सब जगह भरा भरा लोग, कल लोग नहीं रहेंगे, सब लोग घर भागे, सबों की अपनी भी समस्या है,
तो भगवान के पधारने के पूर्व लक्ष्मी जी पधार गई थी और सब जगह समूह के घर में केवल धन धान की समृद्धि हो रही है। ब्रज सर्व समृद्धिमान। तो नंद जी ने ऐसा किया। एक व्यक्ति को जब दान कर रहे थे नंद जी, किसी ने कहा कि अरे यहाँ खड़ा क्या कर रहे हो, क्या लिए हो? तो पीतल का बहुत बड़ा बर्तन था, इसमें भोजन बनेगा, मेरे यहाँ विवाह होना है, 50 लोगों का भोजन एक बार बन जाएगा। कहा कि राम राम, पीतल के बर्तन क्या करोगे, वहाँ चांदी का बर्तन लुटाया जा रहा है। तो पीतल के बर्तन को फेंक दिया, आ गया चांदी का बड़ा हांडी ले लिया, चला आगे। किसने कहा कि अरे भाई ये चांदी के लेकर क्या करोगे, तुम्हारे यहाँ विवाह है, भोजन बनाएंगे। कहा कि चांदी, अरे वहाँ तो सोने का बड़ा बड़ा बर्तन लिया जा रहा है। तो चांदी वाला पटक दिया, आज जाकर सोने का बड़ा बर्तन ले आया, वहाँ तो सब था। आगे बढ़ा, किसने कहा कि कहाँ से ला रहे हो सोने का बर्तन? कहा कि नंद जी के यहाँ से। बड़ा बेवकूफ भाई, अरे वहाँ तो हीरे मणि माणिक के बड़े बड़े पात्र हैं, ये सोना कौन पूछता है? तो सोने का बर्तन को पटक दिया, आ गया और सच में मणि माणिक से बना हुआ जो बर्तन था वो माथे पर लिया। आगे चला, किसी ने कहा कि कहाँ से ला रहे हो? कहा कि नंद जी के यहाँ से। कहा कि बड़ा बेवकूफ हो, कन्हैया का दर्शन हुआ? कहा कि सो तो नहीं। कहा फेंक दिया। कहा कि ये रत्न जो है इससे कई गुना सुंदर बढ़िया और आनंददायक बालक है, चल मेरे साथ। तो रत्न का जो भांड था बड़ा वो फेंक दिया, है ना। जो लोग जा रहे थे ऐसे फेंकते गए तो ब्रज में केवल रत्नों की ढेरी लगी। एक तरफ केवल चांदी के बर्तन है, एक तरफ सोने के बर्तन है, एक तरफ मणि माणिक के बर्तन है। जो ले जा रहा है उधर कोई समझा दे रहा है और सब लोग फेंक फेंक के चला रहा है। आनंद जी के दरवाजे पर भीड़ लगी है। क्यों? तो आनंद जो है ना, क्या कहना है, तो भगवान तो आनंद है, आनंद देने वाले हैं। वो सोने के बर्तन से वो आनंद नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो तो धातु है, ये धातु है, स्टील है, इसमें आनंद का है। और भगवान के जब दर्शन करेंगे 12 बजे, एक तो लोग कल कहें कि हम पहुंच जाएं आगे, हम पहुंच जाएं आगे, क्या भावना होती है। तो दर्शन जन जो आनंद होता है, आह्लाद होता है, उसके संबंध में क्या कहना है। इसलिए वो व्यक्ति भगवान के पास गया, आज जब भगवान के स्वरूप का दर्शन कर लिया, ओहो क्या बात है। दर्शन करते और भूल गया, उसको लगा कि क्या मैं पड़ा था हाथी में ये बर्तन के पीछे, कि सोने का बर्तन लूं कि चांदी का बर्तन लूं। अरे तो ऐसा सुंदर बालक है कि इसको देखते मन प्रसन्न हो गया। कैसा है मालक? एक ने लिखा है सुंदर गोपालम उर्वनमालम। आहा, गोपाल बड़े सुंदर हैं, उर्वनमाल गले में जन्म ही लिए हैं तो वनमाल पहने हैं, नयन विशाल है बालक लेकिन आंखें बड़ी बड़ी है, और ये दुख के हरण करने वाले हैं। किसको पीड़ा हो रही थी, किसको और वेदना थी, जैसे नंदलाल का दर्शन किया कि दुख उसका दूर हो गया। और वृंदावन के चंद हैं, वृंदा माने तुलसी, तुलसी का वन है, उसके प्रकाशक हैं, चंद्रमा जैसे रात्रि में प्रकाश देते हैं। आनंद कंद हैं, आनंद कंद हैं, परमानंद हैं और पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। सुंदर गोपालम उर वनमालम नयन विशालम दुःखहरम, सुंदर गोपालम उर वनमालम नयन विशालम सुंदर गोपालम उर Thank you.
और नंद जी दोनों ने उस महिला को प्रेरित किया कि अपने इस बच्चे को लेकर के और मेरे बच्चे के पास चल। एक वर्ष से बालक ने बोला है, न आंखें खोला, न रोता है, न पीता है और नहीं सारी क्रिया का विसर्जन कुछ नहीं। रोहिणी जी ने अपने बच्चे को गोद में लिया और गई वहां जहाँ आनंद कंद परमानंद पलने पर पड़े थे। दोनों आमने सामने हुए। इस बालक ने अर्थात नंद जी के बालक ने उस बालक को देखा, बस देखते उस बालक ने आंखें खोल दी। एक वर्ष पूर्व में जिन्होंने जन्म लिया था रोहिणी के गर्भ से, उनका नाम बाद में पड़ा बलराम, वो दाऊ जी कहलाए। लेकिन उनका संकल्प था कि मैं तभी आंखें खोलूंगा जब अपने प्रभु का दर्शन करूंगा, जब तक वो अवतार नहीं लेंगे तब तक संसार वालों के सामने मैं आंखें नहीं खोलूंगा और संसार की कोई वस्तु मुख में नहीं डालूंगा। तो वो भगवान के सेवक हैं, जब ऐसी परिस्थिति आती है तो भगवान की सेवा में आ जाते हैं। द्वापरांते कले राधौ पाखंड प्रचुरे गणे रामानुजेति भविता विष्णु धर्म प्रवर्तकः। तो द्वापरांते कले राधौ पाखंड प्रचुरे जने रामानुजेति भविता विष्णु धर्म प्रवर्तकः। द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में विष्णु धर्म के प्रवर्तक कोई उत्पन्न होंगे, ये ब्रह्म संहिता में श्लोक कहा गया। वो उत्पन्न होंगे, वो कौन होंगे? वो रामानुस्वामी होंगे। रामानुस्वामी कलयुग में उत्पन्न हुए, पहले अनंत बने और त्रेता में लक्ष्मण बने, द्वापर में बलराम बने। इस उद्देश्य से उस अवतार में हमने भगवान का ठीक से सहयोग नहीं किया, सेवा तो की लेकिन बड़े होने के नाते आदेश नहीं दे पाया, नहीं तो प्रभु को जंगल जाने नहीं देता। इस अवतार में मैं बड़ा हो जाता हूँ, लेकिन भगवान की रुचि और थी। देवकी के घर में गए, भगवान ने जोग माया से रोहिणी के घर में प्रेषित कर दिया। हैं तो उनसे बड़े, सम्मान करते हैं,
लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि बड़े बड़ा मैं इनसे हूँ, लेकिन मेरे प्रभु ये हैं। इसलिए मन में उनका ऐसा भाव। तो रोहिणी जी लेकर के जाती है, रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यजरथ दिव्यवा सहस्रक कंठाभरण भूषिता। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्यजरथ दिव्यवा सहस्रक कंठाभरण भूषिता। तो नंद बाबा के द्वारा अभिनंदित हो करके अभिनंदन करने पर सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और विभिन्न प्रकार के अलंकार से गहनों से सुसज्जित होकर के और वहां पधारी, स्त्रियों के सम्मान में लगी। दोनों बालकों ने एक दूसरे को देखा और इनकी आंखें खुल गई, हंसने लगे, आह्लादित हो गए, आनंदित हो गए। आ क्या कहना, उस माँ के लिए कितना अच्छा अभिषेक हुआ। ये मौन था, अब बोलने लगा, हंसता नहीं था, हंस रहा है, खाने की भी चेष्टा कर रहा, कुछ दो तो पीऊं। सब कुछ बदल गया क्योंकि स्वामी और सेवक का संबंध हो गया। हरि के नित से सर रहे जो वहाँ पैसागर से चल आए I'm gonna make it.
भी गुण हैं, सौशील्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्यव, शील, सारे गुणों के आगार हैं। भगवान के सेवक दरिद्र नहीं होते। भगवान की भारिया लक्ष्मी जी हैं, तो जो वैष्णव होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, वो लक्ष्मी पुत्र माने जाते हैं। तो लक्ष्मी पुत्र दरिद्र का पुत्र नहीं है, यद्यपि दरिद्रा भी लक्ष्मी की बहन ही है, लेकिन दरिद्रा का प्रभाव लक्ष्मी पुत्रों पर नहीं पड़ता है। अतः जितने वैष्णव लोग होते या जितने लोग आए हैं, सब लक्ष्मी पुत्र हैं, सब पर लक्ष्मी की कृपा है, और लक्ष्मी की कृपा है तो नारायण की कृपा तो होगी ही। लक्ष्मी और नारायण साथ साथ रहते हैं, बैठ जाओ। लक्ष्मी और नारायण साथ साथ रहते हैं, इसलिए हमारे यहाँ आचार्य लोग कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण दोनों की उपासना होनी चाहिए। रावण ने केवल सीता का अपहरण किया, लक्ष्मी की उपासना में लग गया, नाश हो गया। शिशुपाल ने केवल लक्ष्मी रुक्मिणी को अपनाने का प्रयास किया कि रुक्मिणी मेरी पत्नी हो जाए, उसे भी हंसी का पात्र बनना पड़ा, बहुत अपमानित हुआ। और जिस डोली में कन्या को जाना था, उस डोली में स्वयं वर बैठ करके गया। जहाँ गया, महिलाओं ने पर्दा हटाया, कन्या आई होगी तो देखते हैं कि यही वर बाबू गए थे, वही डोली में चले आए। बड़ी हंसी हुई शिशुपाल की, गया था विवाह करने। भगवान ने कहा कि रावण उस जन्म में तुम था, इस जन्म में तुम शिशुपाल बने हो, और तूने जाने का अपहरण किया था। मैं थोड़ा सा मृग के पीछे चला गया तो मेरी अनुपस्थिति में तूने सीता का अपहरण किया, इस बार तुम्हारा विवाह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी से होना है, और मैं तुम्हारे नहीं हजारों राजाओं को देखते सबों के बीच में से उठा करके ऐसे ले जाऊंगा जैसे गीदड़ों के बीच में से शेर अपना हिस्सा उठा करके ले जाए। 1000 गीदड़ थे और बीच में कुछ रखा हुआ था कि पूजा करेंगे तब हम लोग खाएंगे। आज गीदड़ लोग 300 इधर, 300 इधर, 300 इधर, 300 इधर, है कि नहीं, 900 हो गए, और फिर 25-25 बट गए, है ना। तो चारों कोने पर, चारों सीमाओं में 350-350 गीदड़ मान लिया जाए, या और कम पड़ेगा 250-250 रख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। 250 पूर्व, 250 दक्षिण, 250 पश्चिम और 250 उत्तर, और कुछ और रहे होंगे वो दिशा में और विदिशा में। विदिशा किसको कहते हैं? कोना को विदिशा कहते हैं। पूर्व और दक्षिण अग्नि कोण को विदिशा कहेंगे, दक्षिण और पश्चिम नैऋत्य कोण को विदिशा कहेंगे, पश्चिम और उत्तर को विदिशा कहेंगे, उत्तर और पूर्व को विदिशा कहेंगे। वो अग्नि विदिशा, नैऋत्य विदिशा और वायव्य विदिशा, ईशान विदिशा, दिशा और विदिशा। तो चारों तरफ से दिशाओं और विदिशाओं को घेरकर गिद्धों ने रखा खाद्य सामान। थोड़ा मंत्र पढ़ लेते हैं, भजन कर लेते हैं तो फिर खाएंगे। उधर सिंह की दृष्टि पड़ी कि बड़ी गिद्धों की भीड़ है, क्या बात है। तो पता चला कि कुछ बढ़िया सामान खाने का मिला है, ये लोग पूजा कर करके तब पाएंगे। सिंह वहाँ से चला, भला सिंह जब चला तो एक तरफ के गिदड़ भागे, गिदड़ एक तरफ के भागते दूसरा कौन टिकता है, वो दूसरे तरफ का भागा, वो क्यों भाग रहा है, तो तीसरा तरफ का भाग चला, वो देखा को भाग रहा है तो हम भागे। चारों तरफ के गिदड़ भाग गए और सिंह अपना अंश लिया और चला गया। हजारों राजागण थे, अस्त्र शस्त्र लिए, घोड़े पर सवार, हाथी पर सवार, रथ पर सवार, क्योंकि पता चल गया था कि कृष्ण आ गए हैं। जैसे पता चला कि कृष्ण आ गए, यहाँ सबों के कान खड़के, है ना, पत्ता हिला, तो भाई सब लोग तैयार थे। हजारों की संख्या में घेर कर गए थे रुक्मिणी को। रुक्मिणी जी पूजा कर करके और बाहर आई, इधर दृष्टि थोड़ी डाली, इधर मेरे श्याम सुंदर हैं, उन्हें सूचना मिल गई है, आ गए हैं, अब यदि तुरंत आकर मुझे रथ पर नहीं बैठा कर ले जाएंगे तो मैं रथ पर बैठ जाऊंगी अपने रथ पर,
तब तो फिर घर में चली जाऊंगी, फिर मुश्किल होगा। लेकिन प्रभु पर दृष्टि नहीं पड़ी। एक बार उन्हें ऐसे अपने हाथों से कुछ केस जो आगे आ गए थे उन केसों को ऐसे हटाया, बाएं हाथ से रुक्मिणी जी ने अपने माथे पर के केसों को हटाया। और एक बार उन राजाओं पर दृष्टि डाली, जो राजा लोग रक्षा में गए थे, सैनिक रक्षा में गए थे, भला लक्ष्मी उद्भव इसी संहार कारिणी क्लेश हारिणी, संसार को उत्पन्न करने वाली, संसार की रक्षा करने वाली और पुनः प्रलय कर देने वाली, जस्या कटाक्ष मृगी क्षण क्षण, बस वही लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष से सब कुछ होता है। भगवान भी लक्ष्मी जी के कृपा कटाक्ष के बदौलत ही करते हैं। एक बार रुक्मिणी जी ने ऐसे केस उठा करके ताका तो जितने राजागण थे सब मोहित हो गए, हाथ के तलवार गिर गए, धनुष गिर गया, जो घोड़े पर थे घोड़े से नीचे आ गए, जो रथ पर से नीचे आ गए, सब लोग धराशायी हो गए। कुछ बाण चलाने की आवश्यकता नहीं है, हजारों की संख्या में राजागण सैनिक जो रक्षण में गए थे सब लोग मूर्छित हो गए। ये है लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि, उन पर कृपा नहीं थी। रुक्मिणी जी लक्ष्मी है, उन्होंने दिखाया अरे तुम हमें घर में कैसे ले सकते, हमारी दृष्टि तो तुम सही नहीं सकते, दृष्टि की शक्ति से तुम पराभूत हो गए। एकांत पड़ा तब तक प्रभु ने अपने रथ को आगे बढ़ाया, आगे आए रुक्मिणी जी ने देख लिया, भगवान ने हाथ पकड़ा, अपने रथ पर बैठाया, एक दो तीन, अरि नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, जय 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 श्री कृष्ण। अब जय जय सियाराम, जो सियाराम हो ही कृष्ण है, जय जय सियाराम, जय जय श्री कृष्ण। गोकुल कृष्ण के भैया जो बल दाऊ कहाए हैं, यह घोर कली में आकर जगत क्रूही कहाए हैं। जो पहले राम थे वो कृष्ण बने, आज वो सीता थी वो रुक्मिणी बन गई। प्रभु सो राम सीता के सुनायक भी कहाए हैं, गोकुल के कृष्ण के भैया जो बलदाऊ कहाए हैं। प्रभु यह घोर कल्कि में आ जगतपुर भी कहाए हैं, पुनः अवतार धर करके सुजा माता कहाए हैं। सुभगवत धर्म को सब विधे दसो दिश में बढ़ाए हैं, पुनः सो दिव्य तन धर के गोवर्धन को पधारे हैं। वही भगवान गोवर्धन के रूप में आए, गोवर्धन धारण करने वाले भगवान जो थे वही हैं जो पहले राम थे वो कृष्ण बने, और उनके सेवक बलदाऊ जी द्वापर में रामानुस्वामी, वो रामानुस्वामी कलयुग में रंग देशिक स्वामी बन गए। श्री आचार्य रंग देशिक थे रामानुज स्वामी अवतार, तो आचार्य रंग देशिक रामानुस्वामी के अवतार थे। सुब्रज में वास कर सब विधे सुधर्मों को चलाए हैं, श्री राजेंद्र सूरी बन अनेकों देशों को तारे हैं। प्रभु आकर मगह में दीन के स्वामी कहाए हैं,
मगा में आकर के स्वामी जी ने मगा वासियों का कल्याण किया, इसलिए आते ही हैं कल्याण के लिए। भगवान का अंश जहां मन जहां किसी ने कुछ विशेषता देखिए तो समझे कि ईश्वरांश है। यद्यद्भूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तद्देवावगच्छत्वं मम तेजो अंश संभवम्। हनुमान जी ने कहा था रावण को, अरि जाके बल लवसते चराचर जाके बल लवसते चराचर ताकर भरोसामंद हो, सब लोग भरोसेमंद हो, यदि भगवान पर विश्वास करना है तो उनके कृपा पर भरोसा रखें, भगवान अवश्य कल्याण करेंगे। अब दो चार दिन भगवान का कोई नाम ले और भगवान से आशा करें कि तुरंत ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, नहीं महाराज। कोई भी अनुष्ठान करेंगे, जप करेंगे, पाठ करेंगे, बच्चे के कल्याण के लिए कुछ सोचेंगे तो कम से कम 45 दिन प्रतीक्षा कीजिए। तीन पक्ष, एक पक्ष में 15 दिन होता है तो कम से कम तीन पक्ष, तीन मास या तीन वर्ष। त्रिभी पक्ष ही त्रिभी मास ही, ऐसा नहीं कि तीन दिन सो नहीं, पांच दिन किए, एक सप्ताह किए, ऐसा हम इतने दिन से जप कर रहे हैं और भगवान हमको नहीं मिल रहे हैं। महात्मा जी ने कहा था कि इतना मंत्र जप लोगे तो ये लाभ हो जाएगा, ये भाई ऐसा नहीं होता। भरोसा रखना है, जो गुरु मंत्र देते हैं या कोई महात्मा के द्वारा कुछ उपदेश सुनने का अवसर मिलता है, उन्होंने कहा कि रोज अखंड करो, भगवान का नाम लेना है
राम और कृष्ण जिसमें दोनों जुड़े हैं। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये आप तो धरण महामंत्र है, 16 अक्षर का है, कलि संतरणों परिषद में वर्णन है। हमारे परमाचार्य जिनका विग्रह मंदिर में है, स्वामी परम प्रसादाचार्य महाराज कहा करते थे आपत्ति से उबार देने वाला मंत्र है, श्रद्धा पूर्वक लोग इसका जप करें तो चमत्कार पूर्ण परिणाम देखा जाता है। कम से कम 31 मिनट प्रतिदिन इसको अखंड करें, मोबाइल करके घड़ी देखने आदेश करके असुर कर दे। Thank you.
बोले भक्त वत्सल भगवान तो मैं निवेदन कर रहा था एक पंक्ति की व्याख्या करके वाणी को विराम देने सुयास भरोसे यही मन में भगवान है रही हो तो हवान सुयास भरोसे यही मन में भगवान है रही हो तो हवान सब दीनन के जिनके बन के सब दीनन के जिनके बन के तिनके बन के अब जाऊं वहां। तो भरोसा रखना है मंत्र पर और भजन पर। एक महात्मा ने एक व्यक्ति को कहा, बड़ा परेशान था, धन की आवश्यकता थी और विद्या की आवश्यकता थी, ताकि है कि भगवान की पूजा करो, मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते विष्णवे हय ग्रीवाय मह्यम मेधाम प्रज्ञाम प्रयच्छ स्वाहा। विद्या के अधिष्ठात्री देवी सरस्वती और अधिष्ठाता देव भगवान है ग्रीव, सरस्वती की उपासना लोग करते हैं विद्या के लिए और हमारे यहाँ है कि भगवान की उपासना होती है माने घोड़ा, घोड़े के सवानी भगवान का मस्तक था और शरीर मनुष्य जैसा, उन्होंने राक्षस का वध किया, वेद चुरा कर ले भागा था, भगवान ने उसका वध किया, वेद लाया और ब्रह्मा को दिया तो सब जगह प्रकाश हुआ। वेद माने प्रकाश, ज्ञान राशि, जहाँ ज्ञान होगा प्रकाश होगा। उसने 3 मास तक पूजन किया, नहीं कुछ लाभ हुआ, फिर गया महाराज, लाभ तो नहीं है, कहा कि और लगे रहो। 3 बरस लाभ नहीं दिखाई पड़ा, उठा भगवान के चित्र लिया, कुर्सी पटक दिया, फोटो को एक करके नीचे गिराया और कहा कि बेकार शब्द है, साधुओं के चक्कर में पड़ जाने से बड़ी परेशानी होती है, मेरा पहले 3 मास और 3 वर्ष बर्बाद हो गया, इनके कृपा से विद्या मिलती, विद्या से धन होता, लेकिन कुछ नहीं। तो जैसे वो फोटो नीचे रख करके मन में विषाद ले चलने वाला था, एकाएक भगवान प्रकट हो गए, बोलिए है कि भगवान की जय। भगवान सामने दिखाई पड़े, अरे बस तुम निराश हो गए, भरोसा नहीं रहा मुझ पर, अरे बालक तुम्हारी साधना व्यर्थ नहीं गई है, पूर्व जन्म में इतने तुमने पाप किए थे, इतने दोष थे कि ये 3 वर्ष में तुम्हारे पाठ से, तुम्हारे जप से तुम्हारे दोष सब समाप्त हो गए, पीछे ताको, पीछे की ओर दृष्टि डालो। वो व्यक्ति पीछे की ओर देखा तो देखा कि बड़ा पहाड़ है और पहाड़ में आग लगी है, कहा कि महाराज यहाँ तो मैं बहुत दिनों से हूँ लेकिन पीछे तो पहाड़ नहीं था, ये पहाड़ कहाँ से आया, ताकि एक पहाड़ जैसे तुम्हारे पाप का पहाड़ है, पाप का पहाड़ छिपा था, 3 वर्षों में तूने जो साधना की वो पहाड़ के रूप में पाप आया और साधना पूरी हो गई तो पहाड़ में आग लग गई, अब तुम्हारे सारे पाप जल गए, ताकि इतना हमने अपराध किया था कि पाप का पहाड़, कहा कि देख रहे हो पहले था तो नहीं मरा, पहले नहीं, अब तुम्हारी साधना पूरी हुई, तुम्हारी एक दिन की साधना व्यर्थ नहीं गई, लेकिन भाई इतना विशाल पहाड़ को जलाने में समय लगता है, तूने जो उपासना की, तूने जो मंत्र पढ़ा वो सब कारगर हुआ, अब तुम जितना विद्या लो, अविद्या के माध्यम से धन कमाओ, विद्या ददात विनयम दुनिया जाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः धर्मम्। तो विद्या से धन सत्पात्र लोग होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं उसी उद्देश्य से कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, विद्वान बन जाए, कारगर हो जाए, काम करे, फिर माता पिता के सहयोग में रहे,
तो विद्या का उपयोग इस रूप में है, कहने का अभिप्राय छोटी कथा के माध्यम से कि हमारी आपकी साधना व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके लिए भरोसा करना होता है। तो हमारे ब्रह्माचार्य लिखते हैं, भरोसा भगवान पर रखो, सोयास भरोस यही मन में, सोयास भरोस यही मन में, भगवान तो रखना ही होगा, बगैर भरोसा के काम नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ की स्थिति यही रही, सब लोगों को श्याम सुंदर पर भरोसा है, हाँ सब लोग भरोसेमंद हैं, इनका अवतार हो गया, हमारी सारी समस्याएं समाहित हो जाएगी। और भगवान का अवतार हो गया, नंद जी को लगा बहुत दिन बीत गए, हमने महाराजा को अब तक कर नहीं चुकाया है, तकर चुकाने की मन में भावना आ गई। ये भगवान की प्रेरणा थी, पहले दधी दूध ले जाते थे नंद जी कर में, इस बार क्या किया, सोने के बड़े बड़े परात में हीरे मणि माणिक रत्नादि को रखा और कंस महाराज को देने का संकल्प लिया। बड़े बड़े गोपों को कहा कि तुम लोग नगर की रक्षा करना, गोकुल में कई उत्पात हुए थे और यहाँ भी तो कुछ उत्पात हुए, अतः देखना कोई विरोधी आकर के परेशान न करे। गोपां गोकुल रक्षायां निरूप्य मथुरां गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुं गुरुगृहः। तो नंद जी कंस को कर देने के लिए सब सामग्री लेकर के चले गए, वहाँ कंस के पास उन्होंने सामग्री रखी। कंस ने देखा, महाराज कंस ने देखा, अरे अरे नंद जी ये क्या, कितने वर्ष बीत गए, आप जब आते थे तो दूध दही घी ये क्या ला रहे, आप तो करके उसमें दूध दही घी देते थे, आप लोग वैश्य है, ये देख रहा हूँ कुछ सोने के परात में हीरे मणि माणिक ये सब भरे हैं, आप यहाँ कहाँ से आया और आपने मेरे पास लाने का जो प्रयास किया कोई विशेष बात है क्या। नंद जी ने कहा कि हाँ महाराज, मेरी 60 वर्ष की अवस्था हो गई, मेरी पत्नी की अवस्था भी लगभग किसी ढंग की कुछ छोटी होगी, अवस्था ढल गई थी, आशा नहीं थी कि मेरे घर में पुत्र पैदा होगा, संतान पैदा होगी, लेकिन भगवान ने अनुग्रह किया और मेरे घर में इतना सुंदर सलोना एक बालक का जन्म हुआ है महाराज, कि आप भी जब देख लेंगे
आप भी प्रफुल्लित हो जाएंगे, आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। कंस को क्या पता, कहा कि अच्छा यदि ऐसी बात है तो आप मेरे को संबंधी है, तो चलिए मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके बच्चे के लिए मंगल कामना करता हूँ। वो बच्चा आगे बढ़े, जो उससे टकराए वो चूर चूर हो जाए। कंस ने स्वयं आशीर्वाद दे दिया, वो बालक इतना वीर बने उसे जो टकराए वो ध्वस्त हो जाए। नंद जी मुस्कुराए, हालांकि पता तो नहीं था लेकिन इतना खुल करके आशीर्वाद महाराज दे रहे हैं आश्चर्य लग रहा है। कर दे करके आगे बगीचे में वसुदेव जी को जानकारी मिली कि मेरे मित्र आए हैं, छिप करके वैसे गए। कंस को पता चल जाए कि नंद और वसुदेव मिल रहे हैं तो संदेह हो सकता है, अतः वसुदेव जी छिप करके उधर से जाते हैं। वसुदेव उपस्मृत्य भ्रातरम नंदमागतम तत्कर्मराज्ञे जजऊ तदवमोचनम। दोनों मिले गल बहिया, मंगल क्षेम हुआ, बड़ी लंबी बातें। वसुदेव जी ने कहा कि मेरे मित्र आपने कर चुका लिया, अब आपको यहाँ ज़्यादा समय नहीं रहना चाहिए, यहाँ से चलना चाहिए। कर चुका लिया आपने, अब आपको शीघ्र चला जाना चाहिए गोकुल। वसुदेव जी साधु थे, उन्होंने ऐसा कहा। अरे ये तो गृहस्थ होकर के ऐसा कह रहे हैं, नंद जी के मन में भय व्याप्त हो गया। वहां से चले भगवान का स्मरण करते, चिंतन करते, मन में जब भय आवे ऐसा वातावरण दिखाई पड़ने लगे तो किसके शरण में जाएंगे आप? भगवान के शरण में, हरि के शरण में, हरि शरणम। जो सनक सनंदन सनातन ये सब जपते रहते हैं हरि शरणम। नंद पति वच सौरे रे नमृषेति विचिंतयन हरिं जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः हरिं जगाम शरणम। हरि के शरण में गए। दो पंक्ति बोल करके विराम देंगे। सूची देख रहा हूँ कि भैया लोग बहुत लोग हैं, सबको कम से कम समय मिले आज के बाद। अभी है डेढ़ घंटे में लोग गा लेंगे, कहीं कि आधा तो समय स्वामी जी ने ही ले लिया। क्या करें, हमको तो एक महीना से लोगों ने आदत लगा दी है कि दो ढंग ना बोलिए, तो दो घंटा रोज बोलते थे, बोल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की, तो नंद जी भगवान के शरण में गए। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितः हरि शरणम 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 हरि शरणम। यत्र मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम यत्र मंत्र है प्यारा हरि शरणम हरि शरणम। लालो प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम।
कार्यक्रम के लिए कलाकार लोग उपस्थित हैं। हम पंडित जी के पास सूची देख रहे हैं, तो आगे उद्घोषणा होगी, उसके अनुसार कलाकार लोग आकर के और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित पद्यों का पारायण करेंगे, गायन करेंगे और आह्लाद प्रदान करेंगे। तब मंच से हम लोग ये हो रहे हैं, बाकी आप लोग कार्यक्रम में ही रहे, सब लोग शाम से बैठे रहेंगे।